हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशबू साहू। वेलकम टू माय चैनल बिकमिंग नर्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट मींस कंफर्ट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन, डिसकंफर्ट, टेंशन एंड एन्जाइटी। कंफर्ट एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पर्सन डिसकंफर्ट, पेन, टेंशन एंड एन्जाइटी से फ्री रहता है। देन डिसकंफर्ट, डिस्कम्फर्ट इज डिफाइंड एज वॉन्ट ऑफ कम्फर्ट आर एज ए ड्यू टू पेन। डिस्कम्फर्ट में पर्सन पेन एंड इरिटेशन फील करता है। देन कम्फर्ट डिवाइस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कम्फर्ट डिवाइस आर द मैकेनिकल डिवाइस प्लान टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कम्फर्ट टू ऑन एन इंडिविजुअल। कम्फर्ट डिवाइस एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज़ पर्सन को कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। देन पर्पस ऑफ कम्फर्ट डिवाइस, फर्स्ट टू प्रमोट कम्फर्ट। कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए कम्फर्ट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, टू प्रिवेंट डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट से प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड, टू एलिवेटेड डिसकम्फर्ट। फोर्थ, टू इंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ रेस्ट। कम्फर्ट डिवाइस यूज़ करने से पेशेंट प्रॉपरली रेस्ट पोजिशन में रहता है। देन फाइव, टू मेंटेन करेक्ट बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए कंफर्ट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। देन लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस, फर्स्ट पिलो, सेकेंड बैक रेस्ट, थर्ड नी रेस्ट, फोर्थ हैंड रोज, फाइव फुट रेस्ट आर फुट बोर्ड, सिक्स सैंड बैग्स, सेवन एयर एंड वाटर मैट्रेस, एट रबर एंड कॉटन रिंग्स, नाइन बेड क्रैडल्स, टेन बेड ब्लॉक्स, इलेवन एयर कुशंस, ट्वेल्व साइड रेल्स। देन फर्स्ट पिलोज, पिलोज आर यूज्ड टू गिव कंफर्टेबल पोजिशन टू पेशेंट। दीज आर मोस्टली यूज्ड टू सपोर्टेड वेरियस बॉडी पार्ट्स। पिलो का यूज़ कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। पिलोज मोस्टली यूज़ किया जाता है बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। पिलो आर यूज्ड इन सम पोजिशन लाइक अ सुपाइन पोजिशन, प्रॉन पोजिशन, फाउलर पोजिशन एंड नी चेस्ट पोजिशन। देन पर्पस, टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए कंफर्ट डिवाइस यूज़ किया जाता है पिलो का। देन टू सपोर्ट बॉडी पार्ट्स इन गुड अलाइनमेंट, बॉडी पार्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड, हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर, बॉडी पार्ट्स में प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए पिलोज का यूज़ किया जाता है। देन फोर, इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड आर टक्ड फर्मली अगेंस्ट द बॉडी टू मेंटेन पोजिशन। बॉडी को पोजिशन में मेंटेन करने के लिए हम पिलो को फोल्डेड कर सकते हैं, रोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट हेड, नेक, आर्म, लेग एंड पार्ट ऑफ द बैक। देन बैक रेस्ट, बैक रेस्ट इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रोवाइड अ सुटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक ऑफ द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन। बैक रेस्ट एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज़ पेशेंट जब सिटिंग पोजीशन में होता है तब पेशेंट के बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। देन पर्पस, फर्स्ट टू सपोर्ट बैक, सेकेंड टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, थर्ड इट इज़ गिव स्पेशली फॉर हार्ट एंड अस्थमा पेशेंट इवन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, अस्थमा पेशेंट होते हैं, उनको बैक रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सकें। देन नी रेस्ट, नी रेस्ट इट मे बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ पिलो। नी रेस्ट की जगह हम पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ नी रेस्ट। इट गिव्स रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव्स पेन ऑन एब्डोमिनल मसल्स एंड ऑन टेंडन्स बेनीथ द नीज। नी रेस्ट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, एब्डोमिनल मसल्स पेन एंड टेंडन्स पेन से रिलीफ प्रोवाइड करता है एंड नी रेस्ट को
अंडर द नी प्लेस करते हैं. देन थर्ड, मेनी डॉक्टर्स डू नॉट अलाउ नी पिलो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ऐसे बहुत से डॉक्टर होते हैं जो नी रेस्ट अलाउ नहीं करते क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का फियर रहता है. थ्रोम्बस मीन्स होता है ब्लड क्लॉट. देन पल्मोनरी मीन्स इज अ कंडीशन इन विच वन आर मोर आर्टरीज इन द लंग्स बिकम ब्लॉक्ड बाय अ ब्लड क्लॉट. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में लंग्स की वन आर मोर आर्टरीज होते हैं वो ब्लड क्लॉट के कारण ब्लॉक्ड हो जाते हैं. बिहाइंड द नी पॉपलिटियल आर्टरी प्रेजेंट होती है. अगर हम लॉन्ग टाइम तक नी रेस्ट यूज़ करते हैं तो फिर उस आर्टरी में ब्लड क्लॉट होने का चांस बढ़ जाता है. देन फाइव, चेंज ऑफ पोजिशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल इन नेसेसरी. पोजिशन, अब अगर हम नी रेस्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो फ्रिक्वेंटली पोजिशन चेंज करते रहने चाहिए. देन हैंड रोल्स. रोल्स, हैंड रोल्स आर मेड ऑफ क्लॉथ दैट रोल्ड इन टू अ सिलेंडर अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग एंड 2 to 3 inches इन डायमीटर्स एंड स्टफ्ड फर्मली. हैंड रोल्स होते हैं, उनको क्लॉथ से बनाया जा सकता है. इनको सिलेंड्रिकल रोल्ड करके बनाया जाता है जिनकी लंबाई होती है 4 to 5 inches एंड डायमीटर 2 to 3 inches. पर्पस, फर्स्ट टू कीप द फिंगर्स फ्री बीइंग इन अ टाइट फर्स्ट. फिंगर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, फ्री रखने के लिए हम हैंड रोल्स का यूज़ करते हैं. इसके अलावा थाई रोल्स होते हैं. थाई रोल्स आर मेड बाई फोल्डिंग अ शीट टू द डिज़ायर लेंथ ऑफ 2 to 3 feet एंड देन रोल्ड इन टू अ टाइट सिलेंडर. थाई रोल्स भी क्लॉथ से बनाया जाता है जिसको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी जा सकती है. एंड देन थाई रोल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट हिप एंड थाइज. थाई रोल का यूज़ हिप एंड थाइज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम आउटवर्ड रोटेशन एंड कीपिंग द फीट इन अलाइनमेंट इन केस ऑफ पैरालिसिस, फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड हिप सर्जरी. पैरालिसिस एंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड हिप सर्जरी केसेस में हम थाई रोल्स का यूज़ करते हैं. देन फुट बोर्ड आर फुट रेस्ट. फुट रेस्ट, दीज आर मैकेनिकल डिवाइस used to give rest to feet. Sandbags or footboard may be used. Foot rest एक mechanical device होता है जिसका use soles of the feet को rest provide करने के लिए किया जाता है. इसके अलावा हम sandbag का भी use कर सकते हैं. Then purpose, first to maintain the normal position of feet, second to promote comfort, third to prevent discomfort, fourth to prevent foot drop. Then sandbags, these are canvas, rubber or plastic bags filled with sand and are 1, 5 and 10 pound mass in weight. Sandbags are used to immobilize a part. Sandbags होते हैं वो rubber या plastic का बना हुआ होता है जो sand filled रहता है. इसका weight होता है 5 to 10 pound mass and इसका use body parts को मूवमेंट होने से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है. सच एज अ फ्रैक्चर पार्ट है बॉडी में तो उसको मूवमेंट ना हो इसके लिए हम सैंड बैग का यूज़ करते हैं. पर्पस, टू रिलीव डिसकम्फर्ट, सेकेंड यूज्ड टू सपोर्ट बॉडी पार्ट, थर्ड यूज्ड टू सपोर्ट इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट, फोर यूज्ड टू सपोर्ट एज इन फ्रैक्चर बोन्स, फाइव टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप आर रिस्ट. देन एयर एंड वाटर मैट्रेस. एयर एंड वाटर मैट्रेसेस, दीज आर यूज फॉर वेरी थिन एंड ओबेस पेशेंट्स एंड दोज हु आर प्रोन टू गेट प्रेशर सोर. एयर एंड वाटर मैट्रेस का यूज़ वेरी थिन एंड ओबेस पेशेंट के लिए किया जाता है एंड ऐसे पेशेंट जिनको प्रेशर सोर हो. प्रेशर सोर इज ऑल्सो नोन बेड शोर. इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द बॉडी. एयर एंड वाटर मैट्रेस बॉडी प्रेशर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है.
Then purpose. First, to improve circulation. Second, to provide comfort. Third, to prevent pressure sore. Four, used in very thin or obese patients and chronic bedridden patients. Then rubber ring and cotton rings. Rings, air rings are made of rubber. This air ring is inflated about half full, tested for leakage, covered and then placed under the patient's hips in such a way that the valve is on one side and not in contact with body. रबर रिंग एंड कॉटन रिंग का यूज़ हम कंफर्ट डिवाइस के रूप में करते हैं. देन फर्स्ट देखते हैं रबर रिंग. रबर रिंग्स होती है वो एयर फिल्ड होती है एंड फर्स्ट उसको चेक करते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही एंड देन उसको कवर्ड करते हैं रबर रिंग्स को. देन प्लेस करते हैं अंडर द पेशेंट हिप्स. देन थर्ड वन इज कॉटन आर मेड रैप्ड विद बैंडेज. दीज आर प्लेस्ड अंडर बोनी प्रोमिनेंस such as heels and fastened in place if necessary. Cotton rings में भी air filled होती है and इसको wrap करते हैं bandage से and then place करते हैं bony prominence के नीचे. Then purpose, to lift the hip from bed to prevent bed sore. Patient को lift करने के लिए rings का use किया जाता है ताकि patient bed sore से prevent हो सके. Then second, to prevent direct pressure on bony prominence. Third, to improve circulation. Then bed cradle. Bed cradle, this vary wide in size and in material. Bed cradle होती है वो size में wide होता है बहुत ही. Then second, these are of wooden, metal or electronic. बेड क्रेडल होता है वो वुड एंड मेटल का बना हुआ होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक भी होता है. थर्ड, द बेड क्रेडल सपोर्ट एंड टेक ऑफ द वेट ऑफ टॉप बेडिंग. बेड क्रेडल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड फोर, दीज आर सेमी सर्कुलर इन शेप. बेड क्रेडल सेमी सर्कुलर होता है शेप में. एंड पर्पस, देन फर्स्ट टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ इफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट स्पेशली बर्न पेशेंट. सपोज बर्न पेशेंट है उनको हम डायरेक्ट ब्लैंकेट से कवर अप नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट. सेकेंड, टू अप्लाई हीट इन केस ऑफ ड्राइंग प्लास्टर कास्ट. थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल आर यूज टू सप्लाई द डिजायर वॉर्म इन केस ऑफ शॉक. Shock is a condition in which occur when the body is not getting enough blood flow. Lack of blood flow means the cells and organs do not get enough oxygen and nutrients to function properly. Many organs can be damaged as a result. So in this condition we provide bed cradle, electronic bed cradle, to supply the warm. Then bed blocks. Bed blocks, these are made up of wood. Bed blocks lakdi ka bana hua hota hai. Second, it may be high or low. Third, these are placed under the foot of the bed for various reasons. Purpose, first to prevent shock. Second, to arrest hemorrhage. Hemorrhage means blood loss. Third, to retain enema. Four, after spinal anesthesia. Spinal anesthesia, also called spinal block. Five, after tonsillectomy. Tonsillectomy is a surgical procedure in which both palatine tonsils are fully removed from the back of the throat. Then, six, to provide traction. Traction means pulling a part of the body. 7. To position in postural drainage. Then air cushions. Air cushions. First, they are round in shape and made of rubber. Air cushions होता है वो round in shape होता है and rubber का बना हुआ रहता है. Then second,
दिस कैन बी इन्फ्लेटेड विथ एयर, एयर फिल्ड होती है, एयर कुशन होते हैं वो. देन थर्ड, दिस आर यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ बॉडी. देन फोर, एयर कुशन शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ स्किन. एयर कुशन को स्किन के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता है. देन फाइव, दे शुड हैव कवर. इनको कवर करके ही अप्लाई किया जाता है, प्लेस किया जाता है. देन पर्पस, टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेकेंड, टू प्रमोट कम्फर्ट ऑफ क्लाइंट. देन साइड रेल्स, साइड रेल्स आर द बार्स पोजिशंड अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड. साइड रेल्स का यूज़ पेशेंट को बेड से फॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो कि बेड की पूरी लेंथ में प्रेजेंट रहता है. देन पर्पस, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी. सेकेंड, प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइडर सिटिंग अप इन बेड. थैंक यू फ्रेंड्स.